से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एमएससी की छात्रा ने की युवक दे रहा था आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी। जहां से शुरू किया वही फेल हुआ बेटी बचाओ अभियान। कई रेप पीड़ित नाबालिगों ने दिया बच्चों को जन्म। जहर खाकर जन सुनवाई में पहुंचा किसान। एसडीएम सीईओ ने पहुंचाया अस्पताल उदयपुर रेफर। तो अब देखते हैं खबरें विस्तार। बलरामपुर रामानुगंज में एक एमएससी की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है युवक छात्रा को आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था। इससे परेशान होकर छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। चंडीगढ़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुए पूरे 4 साल बीत चुके हैं। 22 जनवरी 2015 को पानीपत की धरती से पीएम मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी, जिससे पूरे देश की बेटियों के अंदर एक उम्मीद जागी। लेकिन असल में हालात कितने बदले। बहुमत से बनी प्रदेश में बीजेपी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नारे पर करोड़ों रुपए खर्च किए और दिखावा बनकर रह गए, क्योंकि प्रदेश में कहीं भी मासूम सुरक्षित नहीं रही। यहाँ हम बात कर रहे हैं हरियाणा की उन बेटियों की, जो रेप का शिकार होने के बाद गर्भवती हो गई और पढ़ने खेलने की उम्र में माँ बन गई। इन बेटियों को सरकार बचाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। नीमच जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें जनसुनवाई के दौरान एक किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर कलेक्टर के पास पहुंच गया। बताया जा रहा है कि किसान ने ये कदम सुदखोरों से परेशान होकर उठाया है। किसान कलेक्टर से मिलने पहुंचने ही वाला था कि बेसुर होकर जमीन पर जा गिरा। इसकी जानकारी कलेक्टर व अन्य अधिकारियों को लगी तो सभी किसान को उठाने के लिए दौड़ पड़े। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस इंडिया की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया डाउनलोड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।